ये क्या हुआ पड़ा है यार, हद की है ना, स्किन कांच की तरह शाइन कर रही है, ऐसे बलून नहीं फूल जाता वैसे बिल्कुल। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ दोस्तों, ये इतना फूल गया यार दोस्तों। ये एक रैबिट का बच्चा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए किस तरह से फूला हुआ है यार ये। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों अभी है ना, हम खेत पे से आए हैं और यहाँ पे देखिए मुझे है ना एक बच्चा पड़ा हुआ दिखा है, जो कि यार मुझे खरगोश का लग रहा है। और ये मुझे शक था हमारी है ना सफ़ेद वाली खरगोश नहीं पे, क्योंकि वो नीचे रहती थी यार। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट रैबिट का बच्चा है यहाँ पे यार, जो कि यार काफ़ी प्यारा यहाँ पे लग रहा है हमें। देखिए यहाँ पे एक ही बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ दिखा है, और मुझे है ना दोस्तों शक था हमारी वाइट वाली रैबिट पे, जो कि यार मैंने आपको वीडियो बना कल दिखाया था, जो कि हमारे सेटअप से है ना काफ़ी दिन पहले से पड़ी हुई है यहाँ पे। तो उसमें मुझे शक था कि यार उसने है ना, मुझे लगता है बच्चे दिए हुए हैं, मतलब या बच्चे देगी या बच्चे दिए हुए हैं, जो क्योंकि यार वो नीचे घूमती थी और अभी भी शायद वो नीचे ही होगी। यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे है वो अभी। ये देखिए वो बैठी हुई है प्याज वाले कमरे में, ये देखिए यहाँ पे ही बैठी हुई है, यहाँ पे परमानेंट यहीं पे बैठी रहती है ये। तो यहाँ पे एक बच्चा है इसका, तो बाकी बच्चे भी दोस्तों हो सकते हैं ना, सुबह हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे यार इधर भी जाती थी, इधर देखते हैं, क्योंकि इधर है ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना मतलब यार क्या बोलते हैं, कबाड़ा मबाड़ा पड़ा हुआ है, जिससे यार छुपने की जगह ज़्यादा है। तो क्या होता है, खरगोश है ना छुपने वाली जगह पर है ना ज़्यादा बच्चे देते हैं अपनी, मतलब छुपा के देते हैं बच्चे, जिससे यार कोई देख ना ले और इन बच्चों को चोट ना पहुँचा सके। और ये यार ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं कौन ले गया होगा यार, शायद ये मुर्गी के बच्चे उठा के ले गए हो यार, इसके बच्चे हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर पड़ा हुआ दिखा है मुझे, तो और बच्चे भी हो सकते हैं यार इसके। आओ इधर आओ, इसको भाग के लेके आओ, इसे पता चलेगा यार, इससे उठा के लेके आओ आराम से एक हाथ से। दोस्तों मैं अब तक है ना यहाँ पे देखता हूँ, इधर पे भी जाती थी। देखिए इसने है ना यहाँ पे चूल्हे के अंदर भी छेद कर दिया, यहाँ पे देखिए इसकी हरकत है ये, इसने है ना चूल्हे के अंदर यहाँ पे छेद कर दिया, मिट्टी के चूल्हे के अंदर यहाँ पे। और लेके आओ यार उसको, सफ़ेद वाली खरगोश नहीं, चलो रहने तो यार क्या करेंगे उसके, वैसे भी बैठी रहने दो उसे। अपन को तो यार बच्चे देखना है, इसने कितने बच्चे दिए, एक बच्चा दिखाया अपन को तो अभी है ना। अरे यार इसने भी उल्टी उल्टी जगह दिए यार हमारी, यार वो वाली रैबिट ने है ना अच्छी जगह पर अंडे दिए थे, आपको पता होगा, मतलब अंडे बोल रहा है यार, बच्चे देते हैं ये डायरेक्ट, बच्चे दिए थे यार अच्छी जगह पे दिए थे उसने, लेकिन इसने यार एक दिया है और बाकी भी शायद यहीं कहीं होंगे। देखना इसमें, यहाँ पे तो नहीं है यार, यहाँ पे कहीं पे चूल्हे के नीचे देखना है क्या, देखना नहीं नहीं लग रहा है ना, नहीं है, चलो चूल्हे के नीचे तो नहीं है यार, शुक्र है चूल्हे के नीचे मर ही जाते यहाँ। ओ हो हो हो, यहाँ पे तो देखो बाल है, बाल बाल दिख गए। एक काम करो, यहाँ का यार बल्ब चालू करो, सोया का बल्ब चालू, हाँ बस ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे है ना बाल तो इसके ही हैं, देखिए वाइट बाल पड़े हुए हैं, हमारी रैबिट ने निकाले हुए हैं, मतलब यहाँ पे बाल इसने यहीं पे दिया होगा यार ये बच्चा। हाँ। और देखो इसके नीचे है क्या, देखना नहीं है इधर कहीं भी, इधर कहीं नहीं पड़ा इधर। ओ हो हो, ये क्या हुआ पड़ा है यार, हद है, फूल गया, गुब्बारे की तरह फूला हुआ है यार ये बच्चा। ओ लग गई यार, ये देखिए यहाँ पे इसका तो यार बुरा हाल हुआ पड़ा है, ये देख चमक रहा है कांच की तरह है ना। नहीं दबाओ यार, ये देखिए बेचारे की यार क्या हालत हो गई, इसे दूध मूध नहीं पिलाया होगा इसने, इसलिए ऐसी हालत हो गई है इसकी। लेकिन इसके अंदर हवा कैसे भर गई यार, गुब्बारे की तरह फूल रहा है यार, ये देखिए कैसे बच्चा है यार, ये देखिए बहुत ही अजीब लग रहा है यार मुझे। और ये वाइट बच्चा था यार दोस्तों, ये कांच की तरह देखिए चमक रहा है यहाँ पे, आपको नज़र नहीं आ रहा शायद, मैं वाइड एंगल को ऑफ करके दिखाता हूँ आपको एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसकी है ना स्किन कांच की तरह शाइन कर रही है, ऐसे बलून नहीं फूल जाता वैसे बिल्कुल। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ दोस्तों, ये इतना फूल गया यार दोस्तों। ये एक रैबिट का बच्चा है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, देखिए किस तरह से फूला हुआ है यार ये, कितनी बेरहमी से यार इसकी मौत हुई है यार, मैं क्या बताऊँ, बेचारा तड़प तड़प के मरा होगा यार। तो ये पता नहीं यार रैबिट ऐसे क्यों करती हैं, एक बच्चा तो यार शुक्र है कि ठीक है। ये देखिए बाकी खरगोश भी हमारे आ गए यार पीछे पीछे, तो एक बच्चा तो यार शुक्र है ठीक है, लेकिन दूसरे बच्चे की ये हालत यार देखिए बहुत ही बुरा लग रहा है यार। देखिए यहाँ पे कितना यार क्या बोलूँ यार मैं, आप देखिए कैसी हालत हुई पड़ी है इसकी यार। यहाँ पे यार एक बच्चा ही मिला है हमें यहाँ पे, मुझे लगता है इसने और बच्चे नहीं दिए है ना, दो बच्चे दिए होंगे यार इसका, फर्स्ट टाइम इसने यार बच्चे दिए हैं, तो शायद दो बच्चे दिए होंगे इसने, और इसका एक बच्चे की हालत ये रही है, और दूसरे की यार पता नहीं, दूसरा तो अच्छा है बच गया, लेकिन एक बच्चा तो यार काफ़ी बुरी यार मौत मरा है यहाँ पे, मतलब उसके बलून की तरह यार फूल गया पूरा शरीर यार बेचारा यार, काफ़ी बुरा लग रहा है यार दोस्तों। आपको भी देख के यार काफ़ी बुरा सा लग रहा होगा, ये देखिए ऐसे लग रहा है यार हमसे मदद मांग रहा हो, इसकी किसी ने मदद ही नहीं की, और देखिए काफ़ी बुरा लगता है यार। देखिए अब यहाँ पे यार ये इसने खरगोशनी की वजह से हुआ है दोस्तों, पूरा काम यहाँ पे आ जाते हैं, यहीं पे बच्चे दे दिए इसने, अगर ऊपर कहीं दिए होते हमें पता होता तो हम इनकी टेक केयर कर लेते अच्छे से, लेकिन क्या कह सकते हैं यार, एक बच्चा तो यार अच्छा है यहाँ पे, लेकिन दूसरे को भी यार ये नहीं होना था यार, बेचारा बिना यार मौत मर गया यार,
ऐसे दूध मूध नहीं मिला, गर्माहट नहीं मिली, तो ये मर गया यार बेचारा, वहाँ दबा हुआ पड़ा था, हमने देख लिया। और बाकी बच्चे दोस्तों अभी यहाँ पे नहीं है बिल्कुल, मैंने देख लिया यहाँ पे सब में, और बाकी देख लेते हैं, नहीं है यार कहीं पे, यहीं पे बल पड़ी हुई थी तो आसपास, यहाँ पे दबा हुआ पड़ा था, शायद खिसक खिसक के चला गया हो, क्योंकि यार चल लेते हैं लेकिन इनकी आँखें नहीं खुली हुई हैं अभी, तो शायद ये 2-3 दिन के हो चुके हैं बच्चे। अब क्या कह सकते हैं यार, हमें तो पता भी नहीं था यार यहाँ पे, तो अब क्या कह सकते हैं यार, बिल्कुल ही इसका मर गया है बेचारा यार। तो इसे दोस्तों क्या करते हैं, हम दफन करके आते हैं जल्दी से। दोस्तों अभी है ना उस बच्चे को दफना के आ चुके हैं, और हमने है ना हमारे खरगोशों को यहाँ पे उठा लिया गोद में, इसको भी उठा लिया है, इन दोनों को भी उठा लिया है, और इस बच्चे को भी उठा लिया है। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, इनको है ना ऊपर लेके चलते हैं हम जल्दी से, और वहाँ पर जाके इनको है ना सेफली कहीं अच्छी जगह पर रखते हैं, और इनको भी है ना अब नीचे नहीं आने देंगे हम, क्योंकि नीचे ये भी बच्चे दे सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लेके चलते हैं हमारे खरगोशों को जल्दी से ऊपर। तो दोस्तों हमने है ना हमारे रैबिट्स को यहाँ छोड़ दिया है, और मैंने घास भी डाल दिया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बैठ चुका है हमारा बनी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी हनी भी यहाँ पे खाना वाना खा रही है अपना, और यहाँ पे वाइट वाली रैबिट यहाँ बैठ चुकी है यार, इसने काफ़ी गलत काम किया यार दोस्तों। और यहाँ पे बच्चे को हमने है ना इस केन के अंदर रख दिया है, जो हमारी पुरानी है ना खरगोश ने बच्चे दिए, देखिए एक यहाँ पे बैठा हुआ है बच्चा आराम से, इसके अंदर सर्दी नहीं लगेगी क्योंकि है ना प्लास्टिक की है ये वाली केन, और यहाँ पर है ना बाल माली पड़े हुए हैं, और बाकी ये बच्चे हैं ना इस केन के अंदर ही बड़े हुए हैं दोस्तों, इसलिए हमने उस केन के अंदर रखा है। वो केन बिल्कुल सेफ है यार इनके लिए, वहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होगी इन्हें, और ना ही सर्दी लगेगी उन्हें वहाँ पे। बस यार यही थी आज की वीडियो दोस्तों, उस बच्चे के साथ है ना काफ़ी बुरा हुआ दोस्तों यार, वो बच्चा है ना बिना मौत मारा गया है दोस्तों, मतलब यार उसकी है ना कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन यार खरगोश ने हमारी काफ़ी गलत किया यार, हमें पता भी नहीं था बच्चे कहाँ पर दिए हैं, और उसने दूध नहीं पिला पाया होगा या उधर है ना सड़क सड़क के चला गया होगा, और उनकी आँखें तो खुली नहीं रहती यार दोस्तों, इसलिए वो दूध नहीं पी पाया होगा, और सर्दी की वजह से यार फूल गया, उसके अंदर हवा भर गई है या क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो है ना अभी मर चुका है बेचारा, हम उसे दफन करके आ चुके हैं दोस्तों। तो मिलते हैं किसी ने दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।